लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव आईएएस पवन गंगवार से हमारे सहयोगी ने प्रशासन द्वारा की जा रही भूमाफियाओं और अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है, लेकिन अब बुलडोजर के बाद नई तकनीक के माध्यम से भी उन अवैध निर्माणों पर कुछ कार्रवाई होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण से सचिव पवन गंगवार जी मौजूद हैं। सर, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है, लेकिन अब बुलडोजर के बाद नई तकनीक के माध्यम से भी उन अवैध निर्माणों पर कुछ कार्रवाई होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण से सचिव पवन गंगवार जी मौजूद हैं। सर, डायनामाइट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस प्रकार करेंगे? डायनामाइट का प्रयोग किया जाएगा ये कहना उचित नहीं है। कंट्रोल डिमोलिशन की एक प्रक्रिया है जिसके वैज्ञानिक तरीके से, जिसमें डिमोलिशन की कार्रवाई हम लोग करते हैं, कर सकते हैं, तो वो कहाँ पर अपनाई जा सकती है, उसका क्या भौगोलिक स्थिति है जहाँ पर उस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है और किस तरह के बिल्डिंगों में किया जा सकता है, तो सुरक्षा के सभी मानकों को देखते हुए और जो विशेषज्ञों की सलाह होगी उसके हिसाब से, अगर जैसी हमारी जरूरत होगी तो उस तरीके को भी अपनाए जाने पर हम लोग विचार करें। विशेषज्ञों की टीम से कोई वार्ता हुई? वो कंसल्टेशन तो एक अनवरत प्रक्रिया है, हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन अभी ऐसा कहा जाना उचित नहीं है कि किसी बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है या जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जहां पर जरूरी होगा और विशेषज्ञों का परामर्श होगा वहां पर इस तकनीक का प्रयोग भी किया जा सकता है। 400 बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई किया है आपने, क्या लग रहा है कितना बड़ा कदम है और कितना बड़ा मैसेज है ये? एक अनाधिकृत निर्माण को रोका जाना जरूरी होता है कि शहर का सुनियोजित विकास हो सके, तो इसमें जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि शहर में लोग एक सुनियोजित विकास की तरफ प्रोत्साहित हो, जिसकी वजह से जन सुविधाएं अच्छी तरह से विकसित हों, लोगों को एक अच्छा माहौल मिले रहने के लिए। आखिरी सवाल बस आपसे, मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर न चलाया जाए, इसके लिए कोई बैठक या कोई आदेश? नहीं, सामान्यतः कोई प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का उद्देश्य किसी का उत्पीड़न करना नहीं होता है, और जो प्राधिकरण के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह निर्माण के प्रति, वो भी उसी उद्देश्य से की जा रही है कि जिसका एक किसी को ऐसा ना हो कि, वैसे भी जो गरीब वर्ग है या जो कोई ऐसा वर्ग है जिसमें उनके निवास करने में उनके विस्थापन की आवश्यकता है, तो उस तथ्य को भी जरूर ध्यान में रखा जाएगा। बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जारी रहेगी, और इसी क्रम में जो पवन गंगवार सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण से जानकारी इंडिया न्यूज में दी गई है, ये साफ दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में अब उन लोगों की खैर नहीं जो भूमाफिया हैं, अवैध निर्माण करते हैं या अपराधी हैं बड़े तंत्र के, उसको लेके बाकायदे लखनऊ विकास प्राधिकरण सूची बना चुका है और लगातार ये कार्रवाई अगले 6 महीने तक आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सोन